किसानों के सामने खेती में कई तरह की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि कुछ ऐसी समस्या होती है जैसे फसलों में कीट लगना या पीलापन होना। अगर आप लहसुन की खेती करते हैं और पीलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि कुछ जरूरी टिप्स अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लहसुन में नाइट्रोजन की मात्रा की पूरी करने के लिए प्रति एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम NPK 19:19:19 का प्रयोग करें। इसके अलावा आप उचित मात्रा में यूरिया का छिड़काव करके भी नाइट्रोजन की कमी पूरी कर सकते हैं। लहसुन को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इसमें ज्यादा पानी ना डालें। बहुत अधिक पानी के कारण पत्तियां पीली होकर मुरझा सकती हैं। अपने लहसुन को गहराई से और कभी कभार पानी देना सुनिश्चित करें। पानी देने के बीच मिट्टी को थोड़ा सूखने दें। थ्रिप्स पर नियंत्रण के लिए 150 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर देहात हॉक मिलाकर छिड़काव करें। फफूंद लगने पर 15 लीटर पानी में 25 ग्राम देहात फुल स्टॉप मिलाकर छिड़काव करें। अगर जड़ों में कीट लग रहे हैं तो नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरीफॉस 50% ईसी का प्रयोग करें। कीटनाशक एवं फफूंद नाशक दवाओं के प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना जरूरी है। खेत में आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से बचें। अगर पर्याप्त उर्वरक पूर्व में नहीं दिया गया तो यूरिया फसल में सिंचाई के बाद दें। अगर जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही है तो अतिरिक्त जल का रिसाव करें। डाइथीन M45 की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंदर से 2 छिड़काव करें। रोगर 1 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। अगर आप सभी बातों का ध्यान रखकर इन टिप्स को अपनाते हैं तो इससे आपकी फसल सुरक्षित रह सकती है। फिलहाल हमारी सलाह मशवरा सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।